अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी की। अपने पिछले दौरे की कामयाबी के बाद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के मिशन उत्तर प्रदेश का आज अगला चरण शुरू हो चुका है। 3 दिन के यूपी दौरे की शुरुआत आज ओवैसी अयोध्या से करेंगे। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। समर्थकों की अपार भीड़ से मिली ऊर्जा के बाद ओवैसी अब आज से मिशन यूपी का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है भगवान राम की नगरी अयोध्या से। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक रदौली विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। जिस जगह ओवैसी रैली करेंगे वो राम जन्मभूमि से 40 किलोमीटर दूर है। ये जिले की इकलौती सीट है जहां से उन्होंने शेर अफगन के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 1 बजे से 1:30 बजे तक रानीमो चौराहे पे उनको हम लोग को स्वागत करना है। उसके बाद रसूलाबाद चौराहे पे कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे, फिर उसके बाद दरगाह शरीफ जाएंगे, फिर 2 कार्यालय का उद्घाटन है। पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद ओवैसी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। ओवैसी ने यूपी में 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राज भड़की, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन तैयार किया है। भीम आर्मी को भी न्योता गठबंधन में शामिल होने का दिया गया है। यूपी में ओवैसी की रणनीति मुस्लिम, अति पिछड़े और दलितों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की है। हालांकि ओवैसी के इस समीकरण में खास बात यह है कि इससे बीजेपी को नुकसान की जगह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ज्यादा है। एमआईएम हो या बीजेपी हो, ये दोनों ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और ध्रुवीकरण करने से अब कोई फायदा है नहीं। लोग सब समझ गए हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, सबको मालूम है। आगे बढ़ने की बात करें और सबको साथ लेके चलें तो ही हमारा और सबका, हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इस बीच ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले उनके पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के संतों ने ओवैसी के शोषित वंचित समाज सम्मेलन में अड़ंगा डालने की धमकी दी है। जो अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर, बैनर और ये होर्डिंग लग रही थी, उसमें इन्होंने जो है अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम हटा करके और अयोध्या कर दिया है तो अयोध्या लिखना चाहिए। यदि उनको अयोध्या से चिढ़ है तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अपने 3 दिन के दौरे में ओवैसी आज अयोध्या में होंगे तो कल यानी 8 सितंबर को सुल्तानपुर जाएंगे और फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को बाराबंकी जाएंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।